नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद। ये बात सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबार आ रहा है, और उसकी वजह और कोई नहीं, स्वयं शरद पवार है। और इसलिए चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का इस पूरी परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर शंका निर्माण करना या फिर समय रहते ही सचेत हो जाना, ये उनकी भी मजबूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, इसकी एक प्रमुख घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी भूमिका स्वयं शरद पवार की भूमिका और बार बार अजीत पवार द्वारा चाचा से मिलने के नाम पर मुलाकातें, मीटिंगें करना, कभी घर पर करना तो कभी किसी उद्योगपति हो या बड़े बिल्डर हो उनके घर करना, और न जाने बेवजह महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी चर्चा करवाते रहना, इस पूरे दांवपेच के चलते, जहां एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर एक संभ्रम निर्माण हो रहा है, तो वहीं शरद पवार भी, यूं कहें तो अपने ही चारों तरफ एक कटघरा वो खड़ा करते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं शरद पवार का अति आत्मविश्वास, कहीं ऐसा तो ना हो कि भविष्य में यही आत्मविश्वास उनके कुंबे को या उनकी राजनीति को ले डूबेगी। क्योंकि शरद पवार की जो भी भूमिका पिछले कुछ महीनों से दिख रही है, उससे जो संकेत निकल के आ रहे हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की जनता या शरद पवार को मानने वाला जो तबका है, उसको इंग्लिश में जो कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब चाहे कोई भी भूमिका ले, लोग शरद पवार को हर भूमिका में स्वीकार करेंगे। ये जो शरद पवार की समझ कह लो या आत्मविश्वास कह लो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती शरद पवार करेंगे। बहुत जल्दी शरद पवार को दो भूमिकाएं बहुत स्पष्ट रूप से लेनी पड़ेगी। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया है पत्र परिषद, लेकिन जो एक्स प्रश्न है कि शरद पवार या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी उनसे, उनके पार्टी से अलग हुए जो भी विधायक है, जो आज मंत्रिमंडल में शामिल है, उन पे कार्रवाई करने की भूमिका को लेके जब तक वो अड़ेंगे नहीं, तब तक शरद पवार की मंशा पे सवाल उठते रहेंगे। शरद पवार ये क्यों नहीं कहना चाहते हैं या अपनी पार्टी से वो भूमिका क्यों लेना लेना नहीं चाह रहे हैं,
कि अंततो गत्वा उनके पार्टी से कितने विधायक अजीत पवार के साथ चले गए, या शरद पवार ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो 9 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, बचे सारे विधायक पार्टी के साथ है, इसलिए उन 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत उनकी सभासद रद्द हो जानी चाहिए, ये भूमिका क्यों नहीं ले रहे। शरद पवार को दूसरा जो एक्स प्रश्न है कि कब तक ये सिलसिला वो जारी रखेंगे अजीत पवार का बार बार उनसे मिलने का। मामला ये परिवार का नहीं है, मामला पार्टी में फूट डालने का है, मामला पार्टी के नीतियों के खिलाफ। अगर आज पार्टी ये मानती है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, तब तो वर्तमान ईडी सरकार में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोई शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिर जो भी विधायक शामिल हो गए हैं, अब उनसे बातचीत का रिश्ता उनको बंद करना पड़ेगा। ये मामला चाचा भतीजे का नहीं है, ये घर के संपत्ति और घर के रिश्ते को बनाए रखने का मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, एक राजनीतिक भूमिका लेने का मामला है। और राजनीतिक भूमिका में फिर वो भतीजा हो या फिर बेटा हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये दूसरा जो एक्स प्रश्न है कि क्या शरद पवार इसकी घोषणा करेंगे कि अब पार्टी के अंदर समन्वय साधने का ना सवाल हो या साथ आने का सवाल हो, ये सारे विषय अजीत पवार के साथ चर्चे के लिए पूर्ण विराम लगा दिया गया है और इन मुद्दों पर अजीत पवार हमसे कोई बातचीत ना करे और ना ही समय मांगे। इस प्रकार की स्पष्ट भूमिका क्या शरद पवार जाहिर करेंगे, क्योंकि आज के पत्र परिषद में इन बातों पर वो खामोश है। क्या शरद पवार की मंशा अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया को मजबूती देने का है, तो फिर वो संकेत क्यों नहीं दे रहे हैं, वो उस ढंग के व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं जो उनकी व्यक्तिगत राजकीय भूमिका के अनुकूल हो। क्योंकि शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये पूरी जो भूमिका चल रही है, जिसमें चुप्पी भी साधी जा रही है, जिसमें एक अपनी वैचारिक भूमिका भी शरद पवार कभी कभी प्रखर रूप से स्पष्ट कर देते हैं और वहीं पार्टी को खुला भी छोड़ देते हैं, इससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के ऊपर उसकी पूरी गतिविधियों पे ब्रेक लगी हुई है। और इसीलिए शरद पवार अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जिसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो 2 प्रमुख घटक दल है, उद्धव ठाकरे शिवसेना और फिर कांग्रेस पार्टी, वो स्वयं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में स्पष्ट भूमिका ले लें और फिर कल शरद पवार आजाद भी हो जाए कि मैं तो रहना चाहता था, मैं तो साथ में था, लेकिन अब यही दोनों पार्टियों ने एक ऐसा स्टैंड ले लिए हैं, तो फिर मैं खुद अब स्वतंत्र हो गया हूं एक स्वतंत्र भूमिका लेने के लिए। क्योंकि शरद पवार उनकी जो पूरी स्टाइल है वो अनेकों दरवाजे खुले रखते हैं, निकलते या जाते एक ही दरवाजे से हैं, लेकिन दरवाजे बहुत सारे खोल देते हैं। और वो दरवाजे खोल देने का मतलब ये है कि सत्ता के राजकारण में जो दरवाजा उनके अनुकूल हो उस दरवाजे का वो इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे वक्त जब इंडिया की बैठक बंबई में होने जा रही है, शरद पवार अपने बहुत ही संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पूरे विपक्ष को उस संभ्रम में डाल नहीं सकते। महाराष्ट्र की एक प्रमुख पार्टी होने के नाते और इंडिया की तीसरी मीटिंग क्योंकि मुंबई में होने वाली है, तो शरद पवार को ये दो तीन मसले पर 31 तारीख के पहले भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी, वरना जो है उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी जो आज लगता है कि इन दोनों के बीच में एक तालमेल, विश्वास का रिश्ता बढ़ रहा है और शायद ये पूरी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इनके बीच में ज्यादा बेहतर समझ महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेके भी बनने जा रही है और शरद पवार और एनसीपी को लेके भी उनको बनाना पड़ेगा। आज के भी पत्र परिषद में शरद पवार ने मुख्य बिंदुओं पर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है, ऐसी मेरी स्पष्ट समझ है। इसलिए आने वाले दिनों में ये भार, भूमिका स्पष्ट करने का ओनस ये शरद पवार के ही कंधों पर है। जितने जल्दी शरद पवार अपनी भूमिका को स्पष्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र के स्तर पर और इंडिया भारत के स्तर पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।